और क्या क्या क्या, क्या, क्या टॉपिक है फिर? सांजी कितना ताकतवर है। बहुत खत्म वीडियो। चल ठीक है, क्या ये सब लिखा है, बंद करते हो गया। वो कैरेक्टर जिसके पास दो बैक स्टोरीज आई हैं। तुम जिस कैरेक्टर को सोच के ये कहते हो कि भाई ओडा ने इसका इतना कुछ फाइट्स नहीं दिखाई है, ये नहीं दिखाया, वो नहीं दिखाया, बट उस कैरेक्टर को दो स्टोरीज मिली है, उससे ज्यादा क्या ही चाहोगे। एक आर्क दे दिया पूरा, वो भी मेजर आर्क। सांजी, जिसका पूरा नाम विंसमोक सांजी है, जो उसे बिल्कुल नहीं पसंद। लोग सांजी को समझते हैं भाई वो इतना पावरफुल नहीं है, क्योंकि यार ठीक है ऑब्वियसली उनका भी गलत नहीं है सोचना कि भाई लूफी जो है एकदम हमारा स्ट्रॉन्ग गाय वाली चीज से फाइट करेगा। सीरीज में जितने भी सबसे बढ़िया बढ़िया विलन आए हैं, सबसे अपना लूफी बैठ के फाइट कर रहा है। उसके बाद जोरो जो है राइट हैंड मैन है, वो भी बहुत अच्छे अच्छे लोगों से फाइट कर रहा है, और वो तो भाई ट्रेनिंग दिखाते रहते हैं भाई, पता नहीं कितने बड़े बड़े वो डंबल्स उठाए जा रहे हैं, कुछ भी जा रहा है, किसी को भी उठा लेता है, तो लगता रहता है हाँ भाई जोरो भी अच्छा खासा पावरफुल है। अब बात है देखिए, पहले बनता फर्स्ट पावर लूफी लेके, सेकंड पावरफुल जोरो लेके, तो थर्ड पावरफुल सांजी के लिए बचता है, तो इतनी स्पॉटलाइट उस बंदे को मिलती ही नहीं है। बेचारे फैंस भी ठीक है, उनका सोचना भी गलत नहीं है। सांजी पावरफुल है, जोरो और सांजी बार बार पैरेलल्स दिखा रहे हैं कि वो दोनों काफी लगभग तो ऑब्वियसली सांजी भी बहुत करीब करीब, और सांजी भी अच्छा खासा पावरफुल है। और वही आज हम डिस्कस करने वाले कि पावरफुल तो है पर कितना पावरफुल है, कितना कंपेरेबल है, वो किस किस से कंपेरेबल है, और क्या क्या अब उसका डेवलपमेंट हुआ। रिसेंटली हमने देखा होगा चैप्टर्स में बहुत कुछ सीख लिया, मतलब बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है, अब वो अच्छा खासा पावरफुल है जितना होना चाहिए, इतना लास्ट में कंक्लूड करेंगे। बट हाँ, सो एक पॉइंट मैं बोलना चाहूंगा, क्योंकि हम मांगा के बेस के हिसाब से देख रहे हैं, तो इसमें स्पॉयलर्स होने वाले हैं मांगा। सो अगर आगे जाना है तो मांगा पड़ी होनी चाहिए, या फिर तुम बस स्पॉयलर को एंजॉय करो। सो कुछ कैरेक्टर्स की बाउंटी मैं पहले ही बता देता हूँ। एज लाइक क्वीन हैज अ बाउंटी ऑफ 1.32 बिलियन, किंग हैज अ बाउंटी ऑफ 1.39 बिलियन, काटाकुरी हैज अ बाउंटी ऑफ 1.057 बिलियन एंड जैक हैज अ बाउंटी ऑफ अ बिलियन। तो बेसिकली इसका मतलब क्या है कि किंग और क्वीन भी काफी ज्यादा कंपेरेबल है, सेम से पावर के हैं, और जैक उनसे काफी नीचे है, अच्छा खासा डिफरेंस है उनमें। किंग और क्वीन लगभग बराबर है। तो ओडा की बेसिकली चीजें चलती रहती है कि लाइक किड, लूफी, लॉ का जैसे चलता है कि वो पूरे तीनों को हमेशा साथ में रखता है, तीनों को दिखाता है, दे आर ऑल कंपेरेबल एंड ऑल। बट प्रॉब्लम ये हो जाती है सबसे मसला, किड और लॉ है वो उतने पावरफुल है नहीं लूफी जितने, और ये अपन को टू बी पॉइंट उस पे पता लगता है जब अभी है ना हाँ काइडो के साथ। सो सबसे मस्त बात ये है किड को तो अगर एक वो वाला कंपैरिजन है जैसे हाउ लाइक व्हाइट बियर्ड इज टू रॉजर, है ना, किड कैन बी टू लूफी। बट वहीं एक प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम क्या, इट्स लाइक अ पॉइंट एंड अ फैक्ट कि किड दो बार बुरी तरीके से गया है। पहली बार शैंक्स के साथ जब उसका पूरा एक हाथ ही चला गया, ना सेकंड टाइम जब वो पहली बार आया तो उससे काइडो से मिलने, चैलेंज करने फाइट करने, एट दैट पॉइंट उसके दो जो साथ में थे वो दोनों काइडो के साथ चले गए, उल्टा बिल्कुल ही चीजें बदल गई। और जो उसका क्रूमेट था बेचारे को स्माइल खिला दिया और खेल हो गया उसके साथ, है ना, बुरा हुआ यार, वो अच्छा नहीं लगा, परमानेंटली उसका डैमेज कर दिया, क्यों किया, वो कुछ अच्छा फ्रूट खा सकता था यार। वो तीन मैच करते ही नहीं है मेरे हिसाब से, बट ओडा चाहता है वो मैच करे, एंड अभी भी अगर जो बाउंटीज आई है वो मैच वाली आई है, इवन दो कहीं ना कहीं नहीं है। लॉ का मैं कहीं ना कहीं मान सकता हूँ थोड़ा बहुत, है ना, उसका अवेकनिंग है अच्छा खासा, हाँ उसका जस्ट पॉइंट ऑफ अवेकनिंग से। बट वहीं जब वो डोफ्लामिंगो आर्क में जब आप लॉ को देखते हो तो वैसे होते हैं सच्ची ये कर सकते हैं। अपन करंट बात करते हैं तो लॉ अवेकनिंग के बाद काफी ज्यादा कंपेरेबल है, लाइक डिजर्विंग है वो 3 बिलियन। लॉ अवेकनिंग के बाद जब वो लास्ट अटैक करता है बिग मॉम पे, इज वन ऑफ द बेस्ट जो मैं वेट कर रहा हूँ एनिमेशन में आने का, कि वो एनिमेट हो और मैं 1 साल वेट कर रहा हूँ वो आए और देखो। यस, जो मोमेंट्स वो बहुत कुछ मोमेंट्स है जो मैं खासकर देखना चाह रहा हूँ एनिमे में, है ना, वानों में, सांजी वर्सेस क्वीन, किंग वर्सेस जोरो, है ना, और ये लॉ और किड वर्सेस बिग मॉम। उसमें मेनली मेरे को लॉ का पार्ट देखना है, एंड मैं अगले गियर 5 के लिए इतना एक्साइटेड नहीं हूँ। कहीं ना कहीं मैं उसकी बैक स्टोरी के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ ओवरली, बट मैं उसकी फाइट के लिए इतना एक्साइटेड नहीं, मैं उसकी बैक स्टोरीज के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि उसकी बैक स्टोरी पूरी एक अच्छे खासे वन पीस के वर्ल्ड को कनेक्ट कर जस्ट दैट। कि जो सांजी का ये रहता है कि सांजी को हमेशा जोरो से कंपेयर करा गया है, बट वहीं यही दिखाया गया है ओडा ने कि वही जो तूने बोला कि जो हाईएस्ट उससे लूफी फाइट करेगा, सेकंड हाईएस्ट से जोरो करेगा, थर्ड हाईएस्ट से ये करेगा, बट अभी के टाइम पर वो 4th पे चला गया जस्ट बिकॉज जिनबे भी आ गया है ना, अब वो 4th पे है। बट एक वो भी पॉइंट हो जाता है ना सबसे बड़ा सांजी का, कि सांजी इज नॉट देयर टू फाइट, उसका मेन तो वो है ऑल ब्लू एंड ही कुक्स, ही इज द कुक, ही इज फाइटिंग एंड डूइंग ऑल दैट जस्ट बिकॉज ऑफ लूफीज ड्रीम। उसका मेन रीजन जोरो की तरह नहीं है टू बी द ग्रेटेस्ट सोर्ट्स में, उसको ऑल ब्लू ढूंढना है, उसका रीजन ही अलग हो जाता है। और ऑल ब्लू कहाँ मिले? जिनबे के पास जिनबे के दिल में मत डालियो। तो फिर अब बात करते हैं सांजी के काफी बढ़िया बढ़िया मूवमेंट्स जो अभी तक इससे पहले आए हैं, अवेकनिंग से पहले जो अपन को दिखाया कि भाई सांजी ने क्या क्या अच्छे अच्छे फाइट सीन। बेस्ट मोमेंट प्रेजेंटेड टू यू बाय रजत। सबसे पहले हम देखते हैं एलाबास्टा पे, वो बंदा एक बड़ा सारा क्रोकोडाइल को एक ही किक में उड़ा देता है हवा। उसके बाद स्काइपिया में उसका खुद का एक बहुत ही कूल मोमेंट आता है कि वो नथिंग हैपन टाइप का, कि एनएल उसको एक लाइट बीम देता है पूरी की पूरी और वो अपनी सिगरेट जलाता है कि हाँ आई वांट इट सिगरेट। उसके बाद थ्रिलर पार्क पे वो पूरा एक अटैक को एकदम डिफ्लेक्ट कर देता है, तगड़ा वाला अटैक। उसके बाद फिशरमैन आइलैंड पे 80 मीटर के बंदे को एक ही लात में उसने एकदम जला दिया था, कुछ अटैक का नाम था वो हेल मेमोरीज। हेल मेमोरीज पूरा एक अटैक से उसने पूरा एकदम, वो जस्ट अपने टाइम स्किप के बाद वो पहला मूवमेंट था। तो एक एक से बहुत कुछ कर सकता है वो उसका। उसके बाद मोमेंट मेरे हिसाब से बेस्ट, हाँ एनएल वाला तो बेस्ट है। एक और है कि होलकेक आइलैंड पे भी जो वो ओवन वगैरह था उसको अटैक करता है, जेफोन को कैच करता है ग्राउंड बिगड़ने से पहले और वहां से निकल लेता है और किसी को दिखता भी नहीं है और किसी को पता नहीं चलता। हाँ। वो स्पीड दिखाती है, अपना बंदा जो है बहुत फास्ट है। उसका नथिंग हैपन मोमेंट मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट है अभी भी, क्योंकि वो ऐसे है उसकी बेसिकली उसे वो दिखाया है पूरा बुरी हालत में, फटाफटी हालत में, कपड़े सारे जा चुके हैं एंड ही इज जस्ट लाइक आई जस्ट बोरोड दिस लाइट फॉर अ सिगरेट एंड वो नेक्स्ट लेवल कूल मोमेंट है वो उसका रजनीकांत मोमेंट है भाई। अब हम कंपेयर करते हैं जोरो से। पहली चीज कि जोरो जो है उसने काइडो को एक परमानेंट स्कार दिया है, परमानेंट स्कार दिया है। अब जब जोरो उसको परमानेंट स्कार दे सकते हैं तो यार शांजी एक छोटा मोटा डैमेज तो कर ही सकता कि भाई हमारे कैरेक्टर्स कंपेरेबल है। हाँ, और अगर वो तो हमेशा है, थोड़ा बहुत डैमेज कर सकता है बट हाँ लूफी गियर 4 में उसे डैमेज भी नहीं कर पाया। सांजी है जो एक्ट 1 वाला जो लूफी है उससे तो पावरफुल है, ये तो है बेस हो जाता है कि भाई अपना जो सांजी है वो कुछ तो कर ही सकता है, मिनिमम लाइक मिनिमम एक स्टैंड तो ले ही सकता है काइडो के सामने, मिनिमम स्टैंड और कुछ नहीं चाहे उसके बाद कुछ भी, वो अलग पॉइंट है बट मिनिमम एक स्टैंड ले सकता है। तो उससे ये हो जाता है जो एक्ट 1 वानों का जो लूफी है जो वो पहली बार गियर 4 में जा रहा है तो, और वो उससे पावरफुल है तो उससे ये भी हो जाता है कि वो काटागुरी से पावरफुल है और काटागुरी रिस्पेक्ट्स दैट, क्योंकि गियर 4 में जब लूफी था तो उसने काटागुरी को हराया है एंड वही पॉइंट हो जाएगा इसके लिए भी, सांजी के लिए भी, कि अगर वो अपन ये मान के चल रहे हैं कि वो गियर 4 से पावरफुल है सो काटागुरी को रिस्पेक्ट करता है। अब काटागुरी गियर 4 के इक्वल है लूफी के, है ना, एंड वो फर्स्ट कमांडर है तो सांजी की पावर कहीं ना कहीं फर्स्ट कमांडर जितनी होनी चाहिए एंड दैट्स बेसिकली हाँ जोरो जितनी, मार्को जितनी, बट मेरे हिसाब से नहीं, मार्को जितनी नहीं है ना, ऑब्वियसली नहीं है ना। दैट गाइज वो उसने क्वीन और किंग को दो अकेलों को संभाल रहा था यार वो बंदा, तो वहाँ वो बहुत अच्छा वो हो जाता है। सांजी का कंपैरिजन अपन ने फर्स्ट कमांडर तक है, इवन दो वो सेकंड या थर्ड में गिना जाएगा। बेसिकली अपन बोल सकता है कि योंको का राइट हैंड मैन भी डिजर्व कर सकता है वो बंदा। अब पता है इससे मेरे को ये दिमाग में आता है, जैसे अब वो फोर्थ हाईएस्ट बाउंटी है अभी के टाइम पे उसकी, तो उससे बस मेरे को ये रहता है कि जो मॉन्स्टर ट्रियो था स्टार्टिंग से लूफी, जोरो एंड सांजी, तो वो मॉन्स्टर ट्रियो नहीं रहेगा क्या, क्योंकि जिनवे आ गया है। वो रहेगा भाई, बाउंटी से क्या मतलब जिनवे की बाउंटी इसलिए बढ़ी है क्योंकि उसको इतने सारा इन्फॉर्मेशन है जो हु उसके साथ उसकी पूरा कॉन्वर्सेशन हुई है, निकल से वो एक वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए थ्रेट है इसलिए भी उसकी बाउंटी साथ में बढ़ी है। और वो तो बहुत सारे क्रूज में है, सिचुगोकाई एंड देन बिग मॉम पायरेट्स एंड देन अब स्ट्रॉ हैट्स में आया है, सो वो पॉइंट तो एक है। और जैसे थोड़ा बहुत सांजी के और भी थोड़ा बहुत इस तरह के मोमेंट्स आएंगे ना, फाइटिंग सीन आएंगे, फिर वापस अपना मॉन्स्टर ट्रियो ही रह जाएगा, चार लोग नहीं होंगे। मॉन्स्टर ट्रियो वो तो एक वो पॉइंट था यार, मॉन्स्टर ट्रियो तो रहना चाहिए हमेशा के लिए। जब जिनबे आया और जिनबे की हुज हुज से फाइट हुई एंड आफ्टर जब वो बाउंटी आई ना, मेरे दिमाग में पहली चीज वही आई थी कि ओ मॉन्स्टर ट्रियो हट गया क्या फिर अब उस हिसाब से। सांजी की अपन ये तो मान चुके हैं कि सांजी गियर 4 से ज्यादा है अभी, आफ्टर अवेकनिंग, दिस इज आफ्टर अवेकनिंग, ना कि अवेकनिंग से पहले का नहीं है। अवेकनिंग जब उसका एक्सोस्केलेटन वाला वो पूरा हो चुका है उसके बाद है, मैं सारे बात अपन अवेकनिंग के बाद ही कर रहे हैं मतलब। हाँ ऑब्वियसली अवेकनिंग से पहले नहीं है, वो गियर 4 के पास भी नहीं है, वो करीब भी नहीं पहुंच रहा है ना उस, वो तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है फिर तो। बट अवेकनिंग होते ही बहुत ज्यादा डिफरेंस इतना ओवरली बढ़ जाता है कि जैसे अब क्वीन की जो फाइट होगी उसमें जो इतना ओवरली चेंज अब आएगा, जैसे ही वो अवेकनिंग होती है एवरीथिंग चेंजेस फॉर सांजी, जब अपने इमोशंस पे डाउट करने लग जाता है ना कुछ कुछ। उसको सबसे पहला पॉइंट तो वही हो जाता है ना, उसकी तरह ना बन जाए, है ना। ये तो हमारा ब्लू सांजी, रेड सांजी, येलो सांजी, येलो सांजी तो है, ग्रीन रेड ग्रीन है ना, ग्रीन ऑनियन सांजी, पिंक सांजी इज गुड, पिंक सांजी इज गुड। उसे वही रहता है कि वो वैसा ना बन रहा हो, है ना, कि इमोशंस हट जाए उसके सारे ये वो। बट आई गेस ही इज वो आफ्टर पता लगता है कि उसके नहीं गए इमोशंस, जस्ट बिकॉज उसका मदर का पार्ट जो उसमें आया उस वजह से उसके इमोशंस भी वही है, इवन दो उसकी पावर्स बहुत ज्यादा लेट आई है, बट जस्ट उसका वो जो मदर का एक पूरा पार्ट है उस वजह से वो है कि अभी भी उसमें इमोशंस है। एंड दैट इज द वन ऑफ द बेस्ट थिंग अबाउट सांजी। सबसे बेस्ट पॉइंट तो यही होता है ना कि क्वीन की फाइट एंड होने वाली है, ही इज लाइक उसने लास्ट किक मारी है एंड वो उस रैट को बचा रहा है बिल्कुल प्यार से एंड दे रहा है उसे। वो बेस्ट पीस था सांजी का। ब्यूटीफुल पोर्ट्रेट है ना कि दिखाने के लिए उसके अंदर अभी भी है, एवर को पोर्ट्रेट करता है। सांजी और जोरो की जो फाइट होती है उसमें स्टार्टिंग में ये हो रहा है कि लाइक लिटरली जब पहली बार सांजी और जोरो क्वीन और किंग को जब अटैक करते हैं दोनों के लिटरल कुछ इफेक्ट ही नहीं होता है एंड क्वीन तो लिटरल लाइक प्ले खेल रहा है अपने सांजी के साथ। जस्ट वो ये चाहता था कि ये रेड सूट पहने एंड वो उसको टेक्नोलॉजी देख पाए बस उसकी जज की, और कुछ नहीं था। उसका मेन मोटिव ही वही था कि वो जज की टेक्नोलॉजी देखे। कि कितना कि अवेकनिंग से पहले सांजी नहीं लड़ सकता था, कुछ भी हो जाए वो लड़ने की हालत में नहीं है, बिल्कुल कोई स्टैंड ही नहीं है उसका क्वीन के सामने। बट अवेकनिंग होते ही बंदे के पास जो उसका एक्सोस्केलेटन काफी एकदम सुपर स्ट्रेंथ आ गई बंदे के पास, तो वो सीन देख सकते हो, सुपरमैन वाला बन गया था, क्रिप्टोनाइट पावर्स। हाँ, उस देखो पैनल है कि क्वीन उसको एकदम एक स्वॉर्ड मार रहा है जिसमें ऑब्वियसली उसने हाकी इन्फ्यूज कर रखी है, ठीक है, उस स्वॉर्ड से सांजी को मार रहा है, वो कर रहा है आउच, बस आउच, और हमारे सांजी ने हाकी यूज नहीं कर रहा है वो बंदा, ये सिर्फ और सिर्फ उसका एक्सोस्केलेटन है जो कि इतना टफ हो चुका है बिना हाकी के। अब हाकी के साथ तो मतलब कि कितने ही लोग हैं जो उसको कुछ डैमेज पहुंचा पाएंगे, बहुत कम लोग हैं, गिने चुने लोग हैं, हाथ पे गिन लोग हैं, इतने लोग हैं। अब तो इन फ्यूचर में तो लाइक उसको अगर हाकी के साथ अगर वो रहेगा ना, और अगर कॉन्क्यूरर हाकी एंड वो दिखाते हैं उसकी, वो ओवरली अच्छा होने वाला है। उसकी ऑब्जर्वेशन तो हमेशा से दिखाई गई है, ऑब्जर्वेशन नेक्स्ट लेवल है। उसने आर्मामेंट हाकी यूज नहीं करी थी उस टाइम, बहुत कम ही करता है, और अब तो शायद उसका एक्सोस्केलेटन इतना ओवरली पावरफुल हो चुका है तो अब तो वो शायद और कम करेगा। और जिस पॉइंट पे अगर वो कर रहा है उसका जो एक वो लिमिट, अब उसने बोला था कि अब वो और ज्यादा हीट रेजिस्ट कर पाएगा ऑन हिज लेग, शायद वो और बढ़ जाएगी उस टाइम, उससे ज्यादा क्या ही होगा यार अब। हाँ भाई, ब्लू फ्लेम्स आ गई, ब्लू लाइटनिंग आ गई। और भाई इसके साथ साथ ठीक है ये ड्यूरेबिलिटी ठीक है उसका, एकदम टफ बन गया अपना, ठीक है, साथ में स्पीड भी है टफनेस के साथ साथ। क्वीन एकदम सीधा बोलता है ओ लाइक ही डिसअपीयर्ड, बट विदाउट लाइक स्पीड तो उसकी पहले भी थी ना इतनी कि जब वो लेजर बीम अटैक कर रहा है क्वीन, वो तब भी शुम शुम भाग पा रहा है उनसे, तो उसकी स्पीड तब भी इतनी है, बट आफ्टर अवेकनिंग तो वो लिमिट्स क्रॉस कर रही है कि वो क्वीन तक नहीं देख पा रहा है और ज्यादा। अब तो भाई बिल्कुल डिसअपीयर, बिल्कुल देखेगा मतलब रेड सूट की जरूरत ही क्या है अगर वो ऐसे इनविजिबल हो गया तो, इतनी स्पीड में रह के। एक कमांडर लेवल का इंसान उसकी स्पीड को देख भी नहीं पा रहा, उसे देख नहीं पा रहा, वो इस स्पीड पे पहुंच गया है अब। एग्जैक्टली, बंदे के पास स्पीड भी काफी अच्छी आ गई, बंदे की टफनेस भी बहुत ज्यादा है। अब एकदम एंड के जो शॉट्स थे लाइक एक बार अवेकनिंग होने के बाद तो उसने लाइक पूरा डोमिनेट ही किया है, लगातार काफी सारे कॉन्सेक्यूटिव शॉट्स मारे और उस बंदे को लाइक उड़ा दिया हवा में भाई, वो आइलैंड के बाहर था, वो हवा में बाहर। और लास्ट में फिर उस माउस को बचाता है, वो प्यारा सीन था भाई। वो बेसिकली सीन ये डिपिक्ट कर रहा है ना कि इवन दो एवरीथिंग ही इज अवेकन्ड एंड एवरीथिंग, बट वो स्टिल अपनी काइंडनेस लूज नहीं कर रहा है, ही हैज स्टिल द पार्ट ऑफ द मदर दैट ही हैड, एक हेट फियर कि मेरे को उन मॉन्स्टर जैसा नहीं बनना है। हां, और वो नहीं बना, ये प्रूव कर रहा है वो सीन में, बहुत अच्छा डिपिक्ट कर रहा है, सॉफ्टनेस है, बहुत अच्छा किया, रेदर देन वेटिंग फॉर इट एंड शोइंग इट आफ्टरवर्ड्स, क्योंकि उसने जोरो को बोला था। वो सीन उसी टाइम साइमल्टेनियसली चल रहा है एंड वो बहुत अच्छी तरह बनाया गया है, जस्ट बिकॉज कि आप काइंडनेस भी देख पा रहे हो उसी पॉइंट पे उसकी, एंड उसकी पावर तो अपन उस टाइम देख ही रहे हैं, तो जो पैरेलल्स चल रहे हैं वो बहुत अच्छे चल रहे हैं। सो इन कंक्लूजन अपन यही बोल सकते हैं कि हमारा सांजी एक योको का राइट हैंड मैन अच्छा खासा डिजर्विंग बन चुका है, एक पायरेट किंग का राइट हैंड मैन या फिर उसका मॉन्स्टर ट्रियो के अंदर अच्छा खासा डिजर्विंग है सांजी। अगर सन गॉड नीका का फ्रूट गोमू नोमी है जो बेसिकली हीटोनोमी है, और वो शैंक्स ने चुराया था, तो शैंक्स को पता था अबाउट हीटोनोमी एंड ऑल दैट। एंड अगर आप चाहते हैं आपको शैंक्स के बारे में पता लगे और हम उस बारे में भी बातें करें तो इस वीडियो को एक लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, और बस बाय।